आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं चारधाम रोड परियोजना का एक बेहतरीन कार्य जो कि चमोली जोशीमठ में किया गया है। यूं तो पहाड़ों में अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है, तो इससे बचने के लिए एक बेहतरीन उपाय यहाँ पे किया गया है और इसमें एक टनल बनाई गई है NHIDCL के द्वारा, जो कि एक बेहतरीन टनल है। क्योंकि हर टनल आपने देखे, अमूमन आपने टनल को देखा होगा कि ये पहाड़ियों को काट के बनाया जाता है, तो ये टनल अलग इसलिए है क्योंकि इसको रोड सरफेस से ऊपर उठा के बनाया गया है। और यहाँ पे जो ये एरिया है, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमेशा ऊपर पहाड़ियों से पत्थर गिरते रहते थे, क्योंकि वो ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हमेशा डर बना रहता था और बहुत सारी घटनाएं भी यहाँ पे हो चुकी थी और कोई और ऑप्शन तो था नहीं। लेकिन ये एक ऑप्शन अपनाया गया है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्य है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि इस टनल की क्या क्या लेंथ, विड्थ और हाइट है। तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 150 मीटर है और जो इसकी हाइट जो यहाँ के बेस पॉइंट से क्राउन तक होगी वो हाइट लगभग 7.5 मीटर है। और इसका जो कैरिज है जिसमें कि हमारे व्हीकल चलेंगे तो उसमें लगभग 10 मीटर इसकी विड्थ रखी गई है। और ये टनल अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपको इस टनल को जो बनाया गया है वो किसी पहाड़ी को काट कर नहीं बनाया गया है। इस टनल को बनाया गया है कि ये रोड सर्फेस से सीधा ऊपर उठा के बनाया गया है। और इसमें जो आपको ऊपर दिख रहा है ये पूरा भी नेचुरल अर्थ से ये कवर होगा, जिससे कि कभी अगर भविष्य में अगर पत्थर आ भी जाते हैं तो वो ऊपर से गुजर के नीचे नदी में चले जाएंगे। तो टनल की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ऊपर पे कुछ वायर मेश टाइप के प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि ऊपर से कुछ आने वाले जो नीचे लेवल पे जो पत्थर आएंगे उनसे बचने के लिए पूरे जो टनल के ऊपर ये वायर मेश लगाए गए हैं। इस टनल का बजट अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ रुपीज़ है और इस टनल को बनने में जो समय लगा वो लगभग 2 साल का समय लगा। तो बहुत ही कारगर है ये टनल उन जगहों पे जहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम रहती है या ऊपर से हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं या बरसात के टाइम पे हमेशा लैंडस्लाइड हो जाती है। बेहतरीन कार्य NHIDCL के द्वारा चमोली ज़िले में किया गया है। और जो आपको मेरे पीछे जो टनल दिख रही है ये काफ़ी बेहतरीन कार्य है NHIDCL का, क्योंकि उत्तराखंड में मेन प्रॉब्लम जो है वो लैंडस्लाइड की या पत्थर गिरने के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, तो इसी से बचने के लिए इस टनल का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इस टनल को बेसिक बनाने में इसका मोटिव यही है कि ऊपर से गिरने वाले जो भी पत्थर थे उनसे बचने के लिए इस टनल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। साथ ही अभी इस टनल में कुछ और वर्क होने हैं, जैसे कि ऊपर ये जो आपको वॉल दिख रही है इसके ऊपर पूरा ये अर्थ मटेरियल से कवर होगा, यानी कि जो भी अर्थ मटेरियल जैसे मिट्टी वगैरह है तो उसको एकदम नेचुरली स्लोप बना के इसके ऊपर यहाँ से ऊपर रखा जाएगा, जिसकी वजह से अगर ऊपर से कभी कोई पत्थर गिरता है तो वो सीधा नीचे नदी में पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।